हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक काफ़ी दिनों से आपको 30 रुपीज़ के लेवल के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है या उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम कब हो सकता है, चार्ट्स क्या बोल रहा है, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर के ऊपर। इस स्टॉक में अगर बात करेंगे तो स्टॉक ने आपको लो लगाया था 13.50 रुपीज़ का, उसके बाद से स्टॉक जो है 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो इस स्टॉक में बड़ा मोमेंटम कब होगा, कौन से लेवल के बाद होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद से ही इस स्टॉक में हम लोगों को एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 75% टूट के लो लगाया था 13.50 रुपीज़ का, और उसके बाद से करेंटली स्टॉक 30 रुपीज़ के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है और स्लोली एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरफ मूव कर रहा है, जो कि है आपको 31.50 रुपीज़ से 34.50 रुपीज़ तक। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है इससे पहले जब इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था, वापस से जरूर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया था, बट अगेन यहाँ पे इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन हुआ, अगेन पुल बैक लिया, बट वापस से शार्प सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद वापस से जब नीचे के लेवल से स्टॉक इस लेवल को टच किया, अगेन यहाँ पे सेलर्स का एक्युमुलेशन हम लोगों को देखने को मिला। क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को मंथली कैंडल में देखने को मिल रहा है, और इसका ब्रेकआउट होगा 34.60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर। तो अगर स्टॉक 34.60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर इस स्टॉक के लिए जो इमीडिएट रेसिस्टेंस होगा वो होगा 43 रुपीज़ का लेवल, और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा वो होगा आपको 58-60 का लेवल। तो यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आप 34.60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर एटलीस्ट वीकली कैंडल को क्लोज होने दीजिए, या फिर जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई है इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट जो है आपका वीकली कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोगों को जो है यहाँ पे इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको नेकेड आई से भी दिख रहा है जो एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो न्यू पोजीशन जो होगा वो एक बार ब्रेकआउट आने के बाद ही लिया जाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। इनकेस अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया है तो आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपने ऊपर के लेवल पे लिया है और आप चाह रहे हैं जो पोजीशन को एवरेज करें तो अब तो भी अभी आपको वेट करना होगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।